हेलो 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 गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीजी ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज हमारे घर में है तीज का प्रोग्राम। तो बहुत सारे कजिन्स हमारे बड़े माँ काका काकी सब आने वाली है यहाँ पे घर पे। तो गाइस, वो शाम को है वो प्रोग्राम, तो अभी सुबह मम्मी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट। ये रहा मम्मी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट। बहुत गर्मी है। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं रोटी बनाते पसंद, देखो मेरा हालात नहीं। वो मैंने बोला गर्मी में रोटी बनाने से हाल बेहाल हो जाता है। वही तो, क्या करूँ, नहीं वैसे नहीं होता है, खाना तो पड़ेगा। और रोटी बनाने खाते तो सब फ्री हो जाएगा। हाँ, रोटी ब्रेकफास्ट खाते बस फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज तिल की चटनी बनाएंगे ना। हाँ, तीज का त्योहार है, तिल का चटनी तो बनेगा ही गाइस। तिल का चटनी, तिल और तिल का चटनी सेलोटी तो कल रात को बना दी आपने, और क्या क्या बनेगा प्रिपरेशन जब होगा गाइस, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ब्लॉग के जरिए। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बने रहे और एंड तक देखिएगा ये ब्लॉग गाइस। आज मोस्ट प्रॉब्ली सीताया इज आल्सो कमिंग फ्रॉम गुवाहाटी, सो लेट्स सी। अब तक फोन को पूछा नहीं मैंने, तो मैं सीता का फोन करती हूँ और पूछती हूँ क्या वो आज आ रही है कि नहीं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट बन गया हमारा। ब्रेकफास्ट में मैंने ये रोटी और यहाँ पे है साग, रोटी साग, और मैंने बनाई ये मटर आलू के झोल। अभी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कस्तूरी मेथी। और मम्मी इज मेकिंग तिल का चटनी, तिल चटनी फॉर इवनिंग फंक्शन। फ्रेश मटर है, फ्रेश चीज है ये। समर में कभी मिलेगा नहीं ना, ये विंटर का मटर था जो हमने स्टोर करके रखा हुआ था फ्रीजर में गाइस, उसे कम है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन हो गया है, ब्रेकफास्ट बन गया है। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद शाम के प्रिपरेशन के लिए लहसुन प्याज अदरक छिलना पड़ेगा। ये छिलके मीट मच्छी धो धा के रख के फिर आफ्टर 12 o'clock मम्मी विल स्टार्ट मेकिंग इट ना। 12 o'clock के बाद विल स्टार्ट मेकिंग इट। ये देखिए गाइस, सभी लहसुन प्याज अदरक छिलना है। सो गाइस, मम्मी ने बनाया हुआ तिल का चटनी इज रेडी फॉर द इवनिंग। ये देखिए, इट्स लुकिंग सो नाइस, डिलीशियस। इसमें अभी बस नींबू ऐड करना ना हमें। और ये हमने मच्छी धो दिया है, धो के हल्दी लगा कर रख दिया है। और ये क्या फिश है मम्मी, ये क्या काकला फिश, और ये लोकल चिकन, इसको भी धो के रख दिया है। बस बनाना है थोड़ी देर में, आफ्टर 12 o'clock विल मेक। अभी 10 भी नहीं बजे। और मम्मी अभी ये देखती, मैं मम्मी इस प्रिपेयरिंग फॉर खीर। और मम्मी ने खीर के लिए ना ये लाल वाला चावल भिगोया, देखिए काला चावल। कहाँ से लाए? जीरो हापोली फ्रॉम अरुणाचल, इससे बनेगा खीर। लाल चावल का खीर बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस होता है। बस सॉर्टेड। तो मैंने शाम को ये मीट और ये बनाने के लिए प्याज भी काट के रख दिया है, और यहाँ पे चॉप्ड जिंजर और गार्लिक। बस सॉर्टेड ना मैं। यस यस यस, ब्रेकफास्ट भी रेडी है। अब तक किसने खाए नहीं, टाइम क्या, अब 10 भी नहीं बजा, 10 बजे में 10 मिनट बाकी है अभी। व्हाट आर यू मेकिंग? नहीं, वो दही जमा के रहूंगी। हाँ, दही जैसे का है दही गाइस। ये दही रात को जमाया था मम्मी ने, दिखाइए वो कितना से जम गया। वाह, हिलता ही नहीं। ये अमूल ताज़ा, जो लाल वाला अमूल ताज़ा है, वो दूध का दही है। ये बहुत काला बनता है ना,
और ये है ब्रॉयलर चिकन, ब्रॉयलर चिकन, लोकल चिकन, मच्छी, और ये इससे बनेगा, ये लोकल ऑर्गेनिक मिर्ची है गाइस, ये लोकल ऑर्गेनिक मिर्ची, दिस आई विल मेक चीज और ये मिर्ची का एक यू नो चटनी टाइप। और मम्मी यहाँ पे खीर बना रही है गाइस, मम्मी ने बनाया हुआ खीर इज अंडर प्रोसेस, ये देखिए टाइम लगेगा, लगेगा ना अच्छे से, कलर पूरा लाल हो गया, पिंकिश हो गया, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा कलर, बट ऐसे अगर देखो तो कलर इज लाइट पिंक ड्यू टू चावल ना, चावल का कलर की वजह से। अब मैं क्या कर रहा, दो मिल्क में डाला, बस मिल्क में खाली डालो, पानी मिल्क में दो डाला, बस मिल्क में दो पानी मिलाया। गाइस मम्मी अभी तीज में आज शाम को क्या पहनेगी साड़ी, तो वही शीज टेकिंग इट आउट, वो देखो हाँ, बट यू हैव टू वेयर रेड ना, बिकॉज एवरीबडी विल वेयर रेड फॉर टीच टूडे, टीच का कलर है रेड गाइस, रेड एंड येलो, अगर मिक्स साड़ी हो रेड एंड येलो तो और बढ़िया है। आई लाइक दिस साड़ी, दिस वन, ये तो हम दुर्गा पूजा पहना ना, तो दुर्गा पूजा का साड़ी, दुर्गा पूजा का साड़ी है, सारे सारे साड़ी है, रेड में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये भी दे मम्मी रेड, मम्मी ये वाला भी रेड है, she is deciding, let her decide, और बहुत गर्मी है गाइस, बापरे बहुत 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 गर्मी है। कहाँ कहाँ से आपने अमरनाथ निकल रहा आप? नहीं ये सारे हम पहले निकल रहा से देखो, ओह बढ़िया, मम्मी का नया सारी टैग भी नहीं निकल, ये पहनो ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू हैव टू लुक ग्लैमरस माय मदर, काम नहीं करना पड़ेगा क्या? काम हम कर देंगे, आपको बदले, चलो आप पहनो साड़ी है okay, कुछ घंटों के बाद है, डिनर तक तो पहन लो, उसके बाद चेंज कर लो, पहने नहीं दिखा, वाओ माय मदर इज शाइनिंग, यस शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, ओनली शाइनिंग माय क्लॉथ नॉट मी, नो नो यू आर आल्सो शाइनिंग, नो यू आर एवरग्रीन, आई एम शाइनिंग टू द पर्सन, और इसका ब्लाउज, वाह ब्लाउज तो एकदम ही बढ़िया है, फुल वर्क है, आगे दिखाओ, व्हिच इज फ्रंट, दिस इज फ्रंट, आ बैक साइड इज आल्सो गुड, बैक साइड से दिखाना हमें एक बार, या सुबह दिखाओ, कोई बात नहीं, ये ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ये तो पिंकी क्या होगा सारे, ये पिंकी जितने सारे है क्या, ये सब इज माइन, पिंकी क्या नहीं है सारे, पीछे देखो पीछे का डिजाइन दिखाओ ना, अरे का बटन, ओ ये शायद चेन होगा, अरे ये से बटन नहीं दिखे, से पहने का वो है क्या, ओ ये केले जिपे, हां मम्मी और मैंने ब्रेकफास्ट कम लंच भी कर लिया गाइस, और मम्मी का खीर इज आल्सो रेडी हियर, ये भगवान का ले, हां भगवान का चाय बन, देखिए देखो कलर कितना सुंदर कलर, वाओ नाइस, कीप इट अप, थैंक यू। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ बाहर मच्छी फ्राई करने के लिए, बाहर आई जो यहाँ पे, कि यहाँ पे आई विल फ्राई फिश ओवर हियर ओनली, नहीं तो घर के अंदर पूरा मच्छी मच्छी गन आता है, एंड इट्स वेरी बैड स्मेल, बहुत बैड स्मेल रह जाता है घर के अंदर, तो आई विल फ्राई फिश हियर। कुमकुम मच्छी लेकर आना और लाइटर भी लेकर आना, मच्छी कड़ाई मटेरियल, यहाँ पे बेली और यहाँ पे लियो, लुक एट दिस गाइस, आई एम फ्राइंग फिश गाइस, फिश फ्राई हो गया, अब मैं बना रही हूँ चिकन, अब से सब रेडी करके रख देगा ताकि शाम को हमें जल्दबाजी ना हो, ये है ब्रॉयलर चिकन, और मम्मी देखो हमें इतना गर्मी में वुलन का स्वेटर बना रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए, लेकिन हवा आ रहा मज़ा, और कुमकुम जी हमें बीन्स काट रहे हैं, इट्स
लेकिन यामी यामी यामी। यहाँ पे अभी गाइस मटन बन रहा है, मैंने मटन बोलना भूल गया था, मटन भी अभी थोड़ा पहले आया तो मटन भी बना रहा है। ये देखिए तीज में तो सब नेपाली लोग मटन ही खाएगा, है ना मम्मी? तो मटन इज मेड बाय माय मदर, मटन इज मेकिंग बाय मदर, मेकिंग बाय मदर। की कैसे मैं बना ऐसे कुछ, आई एम मेकिंग, ऐसे यू मेक इट। कुकुम यहाँ में देखो तामुल काट रहा है, हमारा घर का तामुल है गाइस, और पान भी हमारा घर का ही है। पान पत्तियाँ दिखा दो आपके अंदर का इतना धूप पड़ने जाएगा गाइस, कभी तो ठंडा का जाना है, ठंडा पानी ऐसे दिखाई दे रहा है वैसे तो। आप मैं अच्छी गाइस देखिए, दिस ऑल पान, इसका पीछे भी मंदिर है, ये मंदिर है ना मम्मी का, मम्मी का मंदिर के पीछे भी पूरा पान लगा हुआ है। रुक गया गाइस, मैंने चिकन बना लिया, मैंने लोकल चिकन भी बना दिया और ब्रोला चिकन भी, ब्रोला चिकन मैंने कुकर में डाल दिया है, सॉरी दिस इज ब्रोला चिकन जो मैंने बनाया, ये ब्रोला चिकन, ये है लोकल चिकन, अभी कुकर में बन रहा है। ये जो मच्छी है मैंने फ्राई तो कर दिया है, ये मच्छी सीता आके बनाएगी मच्छी, शी इज ऑन हर वे टू तेजपुर, she just called and confirmed that she has moved from Tejpur, sorry from Guwahati. kya mummy kya le ja bola tha shuruat kheer se dega ke nahi dono de do khana ma bakhe dekh pe khayega sab khayega ke bane da na khana ma ke ne lagi color tu bhal lagi ase। सो गाइस हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, टाइम हो गया अभी 3, अभी बस थोड़ा आराम करेंगे और शाम को बस पार्टी शुरू करते हैं। ये रहा चिकन, ये रहा लोकल चिकन, और छुरपी और चीज़ का मिर्चा वाला, इसमें मटन है और मम्मी बाहर में, और ये है तिल का चटनी, और बाहर में आलू और सब्जी, आलू और बीन्स, ये देखिए ये आलू और बीन्स फ्राई हो रहा है, इसके ऊपर डाल देंगे हम पनीर, दैट्स इट। तो गाइस खाना का प्रिपरेशन सारा कंप्लीट, मटन, लोकल चिकन, ब्रॉयलर चिकन, फिश, फिश जो है ये है फिश, अभी मैंने फ्राई करके तो रख दिया है, सीता आके बनाएगा बोला, तो शी इज़ ऑलरेडी ऑन अवर वे, शी विल बी रीचिंग इट अराउंड 4-5 o'clock, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, शी विल कम, शी विल मेक इट, एवरीथिंग इज़ डन, मतलब सब कुछ प्रिपेयर है, उसे बस आके पकाना है, और मैं अभी थोड़ा देर आराम करती हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेरी एग्जॉस्टेड, थक गए आज सुबह 10 बजे से, मम्मी मैं कुमकुम तेजो लगी हुई थी खाना बनाने में, यहाँ वहाँ साफ सफाई करने में, तो एवरीथिंग इज़ डन नाउ, तो खाना बना सब कुछ पक गया है, और हमने बाहर, सॉरी डॉगीज, और हमने बाहर भी कुछ सेटअप किया है बैठने के लिए, और वहाँ पर डांस तो करेंगे, ऑब्वियसली तीज है तो सब डांस, लेडीज तो डांस करेंगे, और खाना वाना कैसे कहाँ लगाएंगे इसका सेटअप भी मैंने कर दिया है गाइस। तो ये देखिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, आई ओपन दिस लाइट, तो ये डाइनिंग टेबल को मैंने थोड़ा पीछे ठेल दिया है ताकि यहाँ पर सारा खाना लगेगा, और ये प्लेट्स वगैरह मैंने रख दिया है, स्पून फोर्क सब रख दिया है, टिश्यू पेपर रख दिया है, बस यहाँ पे खाना लगेगा। और बाहर में मैंने कुछ इस तरह से सेटअप किया है गाइस, लुक एट दिस, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ सब बैठेंगे, दो टेबल लगा दिया है, यहाँ लेडीज़ बैठेंगे, यहाँ डांस करेंगे, और मेरा ख्याल से सीता लोग भी पहुँच गया है, देख रिच, बड़ा आया नमस्ते।
सो गाइस सीधा इज ऑल्सो बैक और आधे वो देवी के लिए सूप बना रहे चिकन सूप. सो सीधा वॉज योर ट्रिप टू गुवाहाटी? माई ट्रिप ओके. क्या बारिश बारिश कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था क्या? कुछ ऑल वी स्टे दिस वाज वी स्टे फ्रॉम द टापी हॉस्पिटल गया आया बस. नहीं दाल बनाया तरका मारना ये सूप बना रहा देवी के लिए. और अभी सब कुछ तो डन है, अभी बस थोड़ा नहा धो के फ्रेश होना है. सो हेलो गाइस एंड आई एम बैक अगेन. आप मुझे देखते हुए मिल रहे हो ब्लॉक में वापस. सो मैं आ गई गुवाहाटी से ऑल वेल. सो गाइस सो आज तीज का पार्टी हमारे घर में बहुत ही जोर दोर से पार्टी होने वाला है. सो एवरीबॉडी इज कमिंग, वी आर सो हैप्पी. एवरीबॉडी विल वेयर एवरीबॉडी इज वेरी रेड रेड रेड. सारे तो हमारा फोटोज पिक्चर सब आएंगे गाइस. कम्युनिटी में जाके यूट्यूब पर कम्युनिटी में जाके देखिए हमारा फोटोज, फेसबुक पेज में देखिए, इंस्टाग्राम पेज में देखिए और जितने सोशल मीडिया का पेज है उसमें जाके देखिए. ऑलराइट गाइस तो ऐसे हम तैयारी कर रहे थे मीनवाइल. So we got some orders. अभी just order बहुत सारा आ गया. So Gita is working on it. Gita नहा लिया but still she is doing it. बेचारा सुबह से लगा हुआ है अकेला बेचारा, पतला है बहुत पतला, सूखा मच्छी जैसे हो गया. सो उसको सोचा कि आज मैं दारू की बोतल पिला दूँ एक. सो गाइज बने रहे ब्लॉग में, आपको मिलती है थोड़ी देर में. वी विल गेट रेडी. मम्मी गई है रेडी होने के लिए. कुमकुम से पूरा मटन का स्मेल आ रहा है, मटन कटा का स्मेल आ रहा है, नहाएगा एंड मोमो होने के बाद आपको मिलती हूँ फिर से वापस. सो गाइज आई थिंक ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग में यही एंड करती हूँ और तीज का जो अब स्पेशल ब्लॉग बनेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा गाइज. तो आई एम गोना मेक इट पार्ट वन एंड पार्ट टू. गीता का मैंने बॉडी शॉप जो एक मंगाया था मैंने वो लेकर आया इसके लिए. थैंक यू. मेरे डायमंड भी मांगता तो मैं अपना किडनी बेच के लिए मैं इसको लेके आता हूँ. नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर दैट आई यू नो आस्क फॉर डायमंड्स गाइज. तो मेरा दामी वाला मेरे लिए मैं सस्ता वाला ये बॉडी शॉप का लिपा में गाइस ज्वेल तो दमी वाली गाइस नहीं मैं ये लगाती हूँ गाइस बाय द वे. चलो गाइस तो सीधा आप तुम यहाँ का ब्लॉग इधर यहाँ तक एंड करते फिर पार्ट टू तीस पार्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग. ओके गाइस पार्ट टू के लिए टू भी कंटिन्यू होगा. सो गाइस बने रहे ब्लॉग में. आप सोइए मत, आप वेट करते रहिए घड़ी का 12 घंटे का 24 घंटे का इसका पार्ट कब आएगा बोल के. Alright guys, thank you. Namaskar. Guys, please do like, share and subscribe to our YouTube channel which is CG Blog. Yes, Sita is back guys. So aaj hum karne wale hain aur maza. Chalo guys, bye bye. Bye bye. Bye bye.